स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल योर सक्सेस स्टडी में। मैं पवन कुमार आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोणमिति आपको बोर्ड एग्जाम से लेकर के कंपटीशन एग्जाम तक के परीक्षाओं में यानी एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन इससे। और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बेसिक मतलब शुरुआत से, जहाँ से त्रिकोणमिति शुरू हो रहा है वहाँ से। तो त्रिकोणमिति को बेसिक से जानने के लिए, शुरुआत जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मैं एक के बाद एक वीडियो डालने वाला हूँ सीरीज त्रिकोणमिति का, वो पूरा आप देख सके। और त्रिकोणमिति आप चाहे जिस क्लास में ही पढ़ते हो, मैं आपको बेसिक से लेकर के कंपटीशन तक की तैयारी करा दूंगा। तो उसके लिए आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा चैनल को, ताकि आप नहीं दे सके। अब आज देखिएगा मेरा, कल देख किसी और का, तो फिर समझ में तो आपको आएगा नहीं। तो समझने के लिए आप लगातार मेरे चैनल बने रहिए और मैं आपको त्रिकोणमिति पूरा क्लियर करूंगा शुरू से बेसिक से। देखिए आपको फर्स्ट वीडियो में समझ में आ जाएगा कि आपको हम समझ में आने वाला कि नहीं आने वाला, ठीक है। आप आइए पहले देखिए बढ़िया से, फिर बताइए हमको कमेंट में कि समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हम त्रिकोणमिति में जो है कि इसका मतलब क्या होता है जान लीजिए। तीन कोण मिति, त्रिकोणमिति को हम तीन कोण मिति कह सकते हैं, तीन कोणों की माप इसमें किया जाता है, उसी को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जानने से पहले आपको समकोण त्रिभुज जानना बहुत जरूरी है। समकोण त्रिभुज आप में से काफी लोग जानते होंगे, फिर भी जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए मैंने परिभाषा लिख दिया है, आप याद कर लीजिए। बिल्कुल आप जैसे हम कह रहे हैं वैसे कीजिए, त्रिकोणमिति समझ में आएगा तो आएगा, बिल्कुल आएगा, पूरा आपको त्रिकोणमिति हम कंठस्थ करा देंगे। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज क्या होता है जानते हैं कि जिस त्रिभुज का कोई एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिस त्रिभुज में एक कोण यहाँ पर समझ लीजिए 90 डिग्री का हो गया, उसको हम समकोण त्रिभुज कह सकते हैं। अब समकोण त्रिभुज कहने के बाद कुछ नियम इसमें होता है कि जैसे इसमें तीन भुजाओं का अलग अलग नाम रखा जाता है, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण किसे कहते हैं, तो समकोण के जो सामने वाला भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं, और थीटा के नीचे वाला जो होता है उसको आधार कहते हैं, और थीटा के सामने वाला को हम लंब कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि यदि हम थीटा के मान को चेंज कर देंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग आ जाएगा, कर्ण जहां है वही रहेगा सबसे बड़ी भुजा, लेकिन थीटा के मान यहाँ हो गया तो लंब इसके सामने हो जाएगा, मीन्स लंब अब नीचे वाला हो जाएगा और आधार जो आपका है ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है आपको कि थीटा जहां होगा उसके नीचे आधार, थीटा जहां होगा उसके नीचे आधार, थीटा जहां होगा उसके सामने लंब, और जहां समकोण होगा उसके सामने क्या होगा कर्ण। उसके बाद में आपको मैं बता दूं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है, कभी कभी क्वेश्चन में जो है कि लंब कर्ण आधार में से किसी दो का मान दिया रहता है और एक का मान नहीं दिया रहता है, तो जो एक का मान नहीं दिया रहेगा उसको एक सपोज करके, एक मान करके हम यहाँ पर तीनों के मान को डाल देंगे, और जो दो को मान डाला रहेगा उसको डालेंगे और एक एकदम एक्स डालेंगे, जिससे हमारा एक मान निकल करके बाहर आ जाएगा। उसको आपको मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा, पहले सूत्र को याद कर लीजिए तब। उसके बाद में त्रिकोणमिति की छह निष्पत्तियां होती है, जिसको तीन तीन के अनुपात में हम लोग बांट दिए हैं, तो इससे हमारा जो है कि याद करना आसान हो जाता है। इससे इसका संबंध है आएगा जो मान सारणी पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे, उसमें भी आपको यूज होने वाला है। तो उसको जानने के लिए आप लगातार मेरे चैनल बने रहिए, पहले इसको समझ लीजिए कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, दोनों साइन और कॉस दोनों में नीचे में कर्ण होता है। ध्यान रखिएगा कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, बस इतना याद रखिए, साइन बराबर क्या लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। बोल पा रहे हैं आप लोग, मोबाइल को रोकिए और बोल पा के देखिए, ठीक है, कि साइन बराबर क्या होता है लंब बटा, हम तो देते हैं इसको, बोलिए क्या है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण और कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, और बस दोनों ऊपर वाले का टर्म हो जाएगा, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार किसके लिए, टेन के लिए, लंब बटा आधार। तो आपको जब यह तीन को याद कर लीजिए तब ये इस तीनों में जाइए, वीडियो को रोक करके आप पहले तीनों को आंख बंद करके बोलिए कि साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण और टेन बराबर लंब बटा आधार, पहले यह तीनों को पूरा बढ़िया से बोल लीजिए। और उसके बाद में हम चलेंगे अब किसमें,
इस तीनों को, जब इस तीनों को याद कर लेंगे पूरा कंठस्थ हो जाएगा, तो इस तीनों को याद करने के लिए हम संबंध याद रखेंगे कि साइन का कौसे के साथ संबंध, कौस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। तो साइन बराबर होता है कौसे, कौसे कैसे होगा, देखिए इसमें आपका लंब बटा कर्ण है तो यहाँ पर कर्ण बटा लंब हो जाएगा। आपको अगर सूत्र ध्यान में नहीं रहेगा, सिर्फ इतना याद रहेगा कि साइन का उल्टा कौसेक होता है, तो कौसेक साइन का सूत्र उल्टा हो जाएगा, मतलब साइन का होता है लंब बटा कर्ण, तो कौसेक का कर्ण बटा लंब, और इसका सेक का होता है, इसका हो गया आधार बटा कर्ण, यहाँ पर हो गया कर्ण बटा आधार, यहाँ कॉट तो कॉट का हो गया आधार बटा लंब, क्योंकि यहाँ पर होता है लंब बटा आधार। इस तीनों सूत्र को छह सूत्र को तीन भागों में जब बांटे हुए हैं, उसको याद करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बनाया गया है, थोड़ा सा उससे आप परिचित हो लीजिए। जैसे कि हम कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर सूत्र बाय द वे कभी एग्जाम में आप मिस्टेक कर जाते हैं, तो उसको करने के लिए हमने दिया आपको लाल काका, काका नहीं काका, लाल काका। देखिए शुरू वाला जो तीन को साइन कॉस टेन है, वह तीनों अक्षर को आप ले लीजिएगा तो आपका तीनों सूत्र बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए साइन बराबर लंब बटा कर्ण हो जाएगा, एल से लंब हो गया, के से कर्ण हो गया, और कॉस बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार बटा में कर्ण, उसके बाद में टेन बराबर लंब बटा आधार, यहाँ पर लंब बटा क्या हो गया आधार, एल बटा ए, और इसी को उल्टा कर देंगे, मीन्स काका कर देंगे ऊपर काका और लाल कर देंगे नीचे, ठीक है। तो आपको जो है कि अब जो सूत्र बनेगा वह इधर का हो गया लंब बटा कर्ण बटा लंब, देखिए कर्ण बटा लंब, यहां पर कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इस तरह से आप वीडियो पर रोक लीजिए और आगे बढ़ने से पहले सूत्र को पूरा छह के छह कंठस्थ कर लीजिए, और ये पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, और कॉपी कलम तैयार रखिए, बिना कॉपी कलम के मत देखिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद में मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, एक एक करके उस एग्जांपल को बढ़ाइए, बनाइए बढ़िया से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा तो आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर वन हम बनाने जा रहे हैं, पहले एग्जाम्पल नंबर वन आप बढ़िया से देख लीजिए, उसके बाद में आपको दो नंबर हम जब लिख देंगे बोर्ड पर तो आप खुद से बना करके देखिएगा आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो एग्जाम्पल नंबर वन हम लेते हैं कि यदि टेन थीटा बराबर तीन बटा चार हो तो साइन थीटा का मान बताए, साइन थीटा का मान बताए, ठीक है। तो साइन थीटा का मान हमको निकालना है और टेन का मान दिया हुआ है, तो ऐसे इसका लंबा चौड़ा प्रोसेस अब आ गया हुआ है कई किस्म का के वगैरह मानने का, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए के मानने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे यहां पर समझ लेंगे कि अनुपात ऊपर वाला जो हमारा है वह लंब है और नीचे वाला क्या है आधार है। यह लंब आधार कैसे हुआ, तो अभी सूत्र पढ़ा है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ था, देखिए यहाँ पर लिखा है कि लंब बटा आधार, ठीक है, यह लंब बटा आधार किसके लिए, टेन के लिए। तो लंब का वैल्यू इसमें आपका हो गया तीन और आधार का वैल्यू हो गया चार, लेकिन ये तीन भाई है इसमें कर्ण दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो कर्ण को निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है भैया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जोड़ कौन चीज, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का वैल्यू क्या है, तो इसमें दिया हुआ नहीं है, तो क्या उस समय बोल रहे हैं कि जिसको नहीं दिया रहेगा उसको आप एक्स ले लीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर, और लंब का वैल्यू तीन का स्क्वायर और यहाँ पर चार का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा तीन का स्क्वायर नौ और चार का स्क्वायर सोलह, इसको जोड़ देंगे सोलह नौ पच्चीस, आई स्क्वायर इधर से इधर चला जाएगा तब ना एक्स से मान निकलेगा, तो स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट चढ़ेगा और इसका वर्गमूल निकलेगा। आपको वर्गमूल याद करवाए हुए हैं, नहीं याद किए हैं तो प्ले लिस्ट में देख लीजिए, मेरा वर्गमूल वाले चैप्टर पढ़ाए हुए हैं, उसमें बढ़िया से आपको वर्गमूल निकालना सिखाए हुए हैं, तो आप उसको देख लीजिए, तीन को वर्गमूल वाला होगा उसमें, ठीक है। तो वर्गमूल वाला देख लीजिए आप, यहाँ पर 25 का वर्गमूल कितना जाएगा 5।
अब हमको क्या निकालना है, तो हमको निकाल x का कर्ण के मान निकल गया हमारा 5। अब निकालना हमको क्या है, तो साइन थीटा निकालना है। तो साइन फर्स्ट टर्म में था, उसका सूत्र था लंब और बटा में कौन चीज कर्ण। तो लंब का वैल्यू कितना है, लंब का वैल्यू ध्यान दीजिए यहाँ पर, लंब का वैल्यू 3 है और कर्ण का वैल्यू कितना है 5। 3/5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए कि वीडियो को रोक करके, मोबाइल का लाइट ऑफ करके आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को फिर से अपना कॉपी पर बना करके देखिए। यदि पढ़ना आपको है तो मेहनत आपको करना होगा, वीडियो सिर्फ देख करके आपको समझ में आ तो जाएगा लेकिन याद नहीं रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा फिर से कि यदि sec थीटा बराबर 13/5 हो तो आपको कौन सी करना है, cot थीटा का मान निकालना है। तो cot थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले यहाँ पर देखेंगे कि sec थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, तो 13/5। अब sec का वैल्यू होता क्या है, sec का सूत्र क्या होता है, तो आपको पढ़ाया है कि cos के उल्टा cos का होता है आपको आधार बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण, ठीक है, और बटा में कौन चीज आधार। तो कर्ण आधार हो गया, तो बाकी कौन रह गया, तो बाकी आपका रह गया लंब। कहते हैं ना कि आपको तीन को है ही, लंब कर्ण और आधार, तीनों आपको समझ में आना चाहिए। अब क्या करना है हमको कि यहां पर पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ क्या चीज आधार का स्क्वायर। अब यहां पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो कर्ण का वैल्यू हमारा दिया हुआ है कितना 13, तो यहां पर 13 का स्क्वायर, और लंब का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो लंब का नहीं दिया हुआ है, तो कहें कि यहां पर x रख लीजिएगा, या लंब भी लिख सकते हैं, या लंब का परपेंडिकुलर होता है पी भी लिख सकते हैं, और आधार का वैल्यू हमारा क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर जो है कि 169 हो जाएगा, और x का स्क्वायर और 5 × 25। देखिए वर्गमूल निकालने अगर आपको नहीं आता है तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपको वर्गमूल का लिंक, उसमें से देख लीजिए, या आपको जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा वर्गमूल वाला चैप्टर मिल जाएगा, वहां समझ लीजिए इसको निकालना वर्गमूल, आपको अच्छा सा जाएगा समझ में। यहाँ पर एक स्क्वायर रहेगा और 169 में से 125 घट जाएगा, 125 यहाँ पर घट जाएगा, तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बराबर आपका बच जाएगा 144, इसलिए x बराबर आपका बच जाएगा 144, मींस आपको बच जाएगा वर्गमूल कितना 12, क्योंकि 144 आपका 12 का स्क्वायर है। आपको कौन सा अनुपात निकालना है, तो cot निकालना है, तो cot थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में सॉरी आधार बटा लंब, क्या होता है आधार, ठीक है, अब बटा में क्या होता है लंब। तो यहाँ पर आधार का वैल्यू क्या है खोजिए, आधार का वैल्यू नीचे वाला है 5 और लंब का वैल्यू यहाँ आया है 12, 5/12 इसका हो गया आंसर। इस तरह से आपको आंसर निकालना आपको मैं सिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, कॉपी सामने रखिए, वीडियो को रोक रोक करके बनाइए और फिर आगे बताइए, आपको बिल्कुल वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, आपको आ जाएगा बढ़िया से वर्गमूल। तो वर्गमूल और त्रिकोणमिति दोनों को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरा पूरा समझ में आ सके, हम आपको पढ़ा सकूं। यहाँ पर है यदि cot थीटा बराबर 3/5 हो तो, 3/4 लीजिए हो तो sec थीटा का मान क्या होगा, आपको घर से बनाना है इसको, 5 क्वेश्चंस दे रहे हैं जो घर से आप बनाइएगा, घर से क्या आप जब घर पर है ये है, क्लास में तो है नहीं, घर पर बनाइए इसको। यदि sec थीटा बराबर 5/3 हो तो cosec थीटा का मान बताइए आप, cosec थीटा बराबर क्या होगा। उसके बाद में आपको हम यहां पर दे रहे हैं कि यदि cosec थीटा बराबर 13/12 हो तो, ठीक है, cot थीटा का मान बताइए,
यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा का मान बताइए। और एक और लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए 7 नंबर, कि यदि 13 कॉस थीटा बराबर 5 हो तो टेन थीटा का मान बताइए। देखिए ये लास्ट वाला क्वेश्चन में कीजिएगा, 13 को नीचे भेजिएगा पहले, यहां पर कॉस थीटा बराबर कर देंगे 5/13। इस तरह से आपको बना लीजिएगा, फिर जो है सूत्रता लगाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि आपको और भी जो मित्र या भाई बहन नहीं पढ़ पा रहे हैं बंदी या किसी कारण से, ठीक है, तो वह पढ़ सके और त्रिकोणमिति को समझ सके। धन्यवाद।